अरे भाई ठीक जी जी भाई ठीक है जी भाई है जी। हुक्म वो मेरा दो सवाल था, एक कुरान पे एक हदीस पे। जी। जो इसमें इम्पोर्टेंट है दोनों में से वो कर लें भाई। हाँ, वो हदीस पे है, बुखारी शरीफ भी है, 251 की है। अच्छा हदीस पे जी करना, हदीस पे करना चाह रहे हैं। जी ठीक है एक मिनट रुकिएगा। 251 क्या है? 1। 251 एक मिनट रुकिएगा। टू फाइव वन जी जी भाई क्या है इसमें? जी वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने जो वो गुस्ल करते हैं दो जी जी मर्दों के, हाँ हाँ उसी पे थोड़ा वजाहत फरमा देते थे। हाँ क्या हुआ उसमें समझ नहीं आई मुझे। वो हजरत आयशा रजी अल्लाह आपको ने जब जी आपको ये लगा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, अनहो नहीं होता पहले, आप मुसलमान हैं? जी हाँ जी, वो थोड़ा हाँ कुरान पढ़ सबसे सकते हैं पहली ऊपर से दफा देख बात के? हो रहा जी कुरान पढ़ सकते हैं ऊपर से देख के? जी मैं हदीस निकालता हूँ जरा, मुझे ना जी आपने ऊपर से पढ़कर दिखानी है ठीक है यार, आप लगा होगा टेंशन लेनी ठीक है। अच्छा जी ये मैं दिखा रहा हूँ जी भाई, ये आपके सामने हदीस है ठीक है ना, ये मैं पहले दिखा दूँ। 251 सही है जी बिल्कुल यही है। जी भाई। हाँ बिस्मिल्लाह। हदसना अब्दुहु अब्दुल्लाह बिन मुहम्मदिन कौला। जी पढ़े 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 पढ़े, अच्छा पढ़ रहे हैं पढ़े। हदसना अब्दुल्लाह बिन मुहम्मदिन कौला हदसनी अब्दुस समादी कौला हदसनी अब्दु क्या है? शुबाब अब्दु समाधि अब्दुस समा क्या है अब्दुस समा सूरह इख़लास आती है आपको? जी। सूरह इख़लास सुनाए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम थैंक यलिद यू। वलम अब ये यूलद। पढ़ें, अब ये पढ़ें। हद्दसना अब्दु अब्दुस सना अब्दु एक मिनट अब्दुस सना एक मिनट कहाँ गया? एक मिनट एक मिनट अब्दुस सना अब्दु अब्दुस सना अब्दुस अब्दुस समा ये वाला के दाल है क्या मतलब दाल है? रुके जरा रुके जरा एक मिनट रुकिएगा, जाना नहीं है आपने, रुकना है ठीक है, रुकना है। जवाब भी आएगा मगर साथ कुछ माहौल बनाना भी तो जरूरी है ना, माहौल भी तो बनाना है। ये आबादे हक का खासा है कि माहौल भी बनाता है साथ जी। एक मिनट रुकिएगा जी, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी ये जी ओ उनसे निकल करो, मेरे काम भी चेक करो। हाँ जी भाई हाँ जी भाई, ये पढ़े भाई, ये जी सामने जी कुरान अमित लिखा भाई। है जी, ये पढ़े। कुल हु अल्लाहु अहद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद अच्छा ठीक हो गया, जी जी ये क्या लिखा है? अल्लाहू। अच्छा समद ठीक हो गया, अब रुकिएगा जरा। जी भाई अब पढ़े जरा। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद मोहम्मद कॉल इन कॉला हद्दसनी, हदसना अब्दुस समाद नहीं था ये? समद समद बोला जी बोला आपने, पहली दफा में भी समद ही बोला था नहीं जी। नहीं आप बोला आप बोले हैं आप बोले हैं अब बोले हैं चले सनद जी पढ़ना चाहते हैं, मैं तो आपको आखिरी वर्ड पढ़ाना चाहता था, चले पढ़ लें आप अपनी मर्जी से पढ़ें जी, पढ़ें कोई बात नहीं पढ़ जी आवाज स्लो आ रहा है। भाई, मैं तो सामने वाला रख के बोल रहा हूँ, आपको आवाज कम आ रही है। अब मतलब शुरू से पढ़े
नहीं शुरू से नहीं पढ़े यार, आगे पढ़े, मेरे सामने रख के पढ़ने का मकसद कुछ था, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, वो तो बात बीच में समाद और समझ में फंस गई। ठीक है हमें पढ़ता हूँ, असल में मुझे ज्यादा नहीं आता ना, वो इधर ही आके स्टार्ट किए पढ़ना आपका वीडियो, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में आपको जवाब मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। जी जी काला हदस, काला हदसनी सुबत, काला हदसनी अबू बकर बिन उजई, अबू बकर बिन ये क्या हफ, यार ये छोड़ दें, मैं अब आपको बताता हूँ, आपने पता कहाँ से पढ़ना है? जी ठीक है, यकूलु दखलतु अना व अखू, यहां से पढ़े। कहाँ से? और यार छोड़ दें यार, ये जो आखिरी लाइन मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा टाइम जाया करेंगे, ये पढ़ेंगे क्या लिखा है? वबैनाना हिजाब, क्या मतलब है इसका? उनके बीच में पर्दा था। हाँ, हिजाब किस पर्दे को कहते हैं? हिजाब आप बता दीजिए। हिजाब ऐसे पर्दे को कहते हैं जिसके आर पार ना दिख सके, जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े हिजाब होते हैं, आर पार ना दिख सके। जी अगर उनके दरमियान और उनमें हिजाब था कि आर पार ना दिख सके, तो फिर आपका एतराज क्या है? नहीं वो एतराज तो उधर ही खत्म हो गया। हिजाब कहते हैं ऐसे पर्दे को कि आर पार ना दिख सके, ऐसा पर्दा नहीं, जाली वाला भी नहीं, जी जाली वाला भी नहीं, हिजाब कहते हैं ऐसे पर्दे को कि आर पार भी ना दिख सके। तो सवाल उठता है आपका कि देखेंगे कैसे, देख तो सकते नहीं, अब हुआ क्या? इसीलिए आपको एक चीज को समझना है, मिसाल के तौर पर जरूरी नहीं है कि गुसल का तरीका बताया जा रहा हो और वो बात दिखाने से, मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूं, मैं आपको बताऊं, पहले वो कुल्ली करते थे, फिर उसके बाद वो सर में पानी डालते थे, फिर उसके बाद वो हाथ धोते थे, फिर उसके बाद वो मुंह धोते थे, आपको बात समझ आ रही है? पिक्चर कर पा रहे हो? मैं अगर कहूँ कि जुल्फकार भाई ने पहले कुल्ली की, पहले मुंह धोया, फिर सर धोया, फिर हाथ धोए, हो गया, ऐसे ही है ना? तो आपको सब आप इमेजिन कर पा रहे हो जुल्फकार भाई को कि वो सर धोते थे तो कैसे धोते थे, या कुल्ली कर कैसे, हो गया? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको बोलकर अगर मैं बता दूं तो भी आप इमेजिन कर सकते हो, हजरत आयशा ने ये किया। अब दूसरी तरफ हजरत आयशा इतने, इसे कहते हैं दीन के मामले के अंदर इतना डेडिकेटेड होना, कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गोया दूसरी साइड के ऊपर जब वो बात बयान कर रही थी तो वो बेसिकली साथ डाल रही थी, मगर था हिजाब, नजर नहीं आ रहा था। ये गलत फहमी है कि जो लगता है ये आखिरी चीज, व बैना ना व बैना हा हिजाब, खुद रावी बयान कर रहा है उस बंदा और वो भाई के हिजाब था। हिजाब ऐसी चीज को कहते हैं कि आर पार दिख ना सके, जैसे कपड़े हैं, जैसे नकाब है, जैसे ग्लव्स हैं, जैसे स्काफ है, तो आप उसके इर्द गिर्द आर पार नहीं देख सकते। तो हजरत आयशा को वो लोग देख नहीं रहे थे, बल्कि इस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा था, ये चीज है इतनी। ठीक हो गया मेरा भाई? जी जी थैंक यू मेरा भाई, अपना ख्याल रखे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।